अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूज़ आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आ गए से आप भी आ जाओ। और उमर भी बैठा हुआ है। अभी हम कहाँ गए थे? सौदा लेने। सौदा लेने क्या लेके आए हैं? चीज़ लाए हैं हमने। अभी किया है घर का सारा काम, बावजूद थक जाते हैं। घर का काम करो, फिर जाके बाहर से राशन भी लेके रहो। अभी मैं लेके आई पकाने का सब। तो देखते हैं आज मैं लाई हूँ क्या पकाने के लिए दोपहर में, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए। हाँ रख दो वहाँ पे। खाने का बोलेंगे तो स्कूल से आने से पहले पहले मुझे 12 बजे तक खाना तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय से बिस्किट खा के चले जाते हैं। उमर को तो दिलाया है मैंने चॉकलेट वाला बिस्किट, और माशाल्लाह भी खड़े होने की कोशिश करके चलने लगता है थोड़ा थोड़ा। बेबी चलो आओ, खड़े हो क्या? आओ खड़े हो जाओ। आप छोड़ो, आप छोड़ो सैफ, आप तो छोड़ो बेटा। बीबी कहते हैं मैं चलना स्टार्ट करूँगा माशाल्लाह से। एक हाथ पकड़ के आ रहा है भाई का अपने। उमर ने थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हम इसके हम पाँव पूरे भी ज़रूर बनाएंगे, और जिस दिन बनाएंगे आपके साथ शेयर भी करेंगे। जिस दिन दोनों से डाइन उल्टे काम नहीं उमर। जिस दिन दोनों सिस्टर आएंगे तो उस दिन मैंने सोचा है कि उस दिन के पाँव पूरे बना लेंगे, और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ पाँव पूरे कैसे बनाए जाते हैं। उमर को खोल के देती हूँ मैं चीज़, और सैफ को भी। हाँ मैंने खोल दिया, ऐसे ही खाएगा बेबी। चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में आज क्या लाई हूँ। आज मैं पकाने के लिए मैंने ली है, आज मैंने सोचा आज पका लेते हैं दोपहर में दाल। और चावल मैं लाई हूँ, दाल और चावल मैंने पकाने के लिए। एक गड़बा लिया था, एक बिस्किट लिया था उमर के लिए। चलिए खाना जला देते हैं, टाइम से पहले मुझे पकाना भी होगा, क्योंकि बच्चे आ गई फ़ौरन खाना मांग लेते हैं। चलिए खाना बना लेते हैं। दाल मैं निकाली, दाल को मैं कर लेती थी तरीके से साफ। दाल मैंने कम बनाई है थोड़ी सी, मैंने बचा ली है थोड़ी सी। अच्छा, और चावलों को भी साफ कर लिया मैंने। अब चावलों को ही भिगो देती हूँ, क्योंकि हम तो चावलों को उबालते हैं उसका पानी निकाल देते हैं, वैसे बनाती हूँ मैं। और दाल बनाने का सबका अलग अलग तरीका है। मैं तो फिर ये दाल भिगो के इसमें ही, जब इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी इसमें ही नमक मिर्ची हल्दी और लहसुन के 2 जवे डाल के उसको पकने रख देती हूँ। काफ़ी लोग दूसरे स्टाइल में पकाते हैं, मसाला भून के पकाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊँगी। दाल को मैंने चढ़ा दी है, दाल हमारी पकती रहेगी। इसमें मैंने नमक मिर्ची हल्दी और लहसुन डाल के इसको अब रख दूँगी पकने के लिए। अभी यहाँ क्या पकती रहेगी। चावल मैंने भिगो दिए, चावल मैंने डाल दिया नमक, और 15-20 मिनट तक मैं चावलों को भिगोंगी, फिर इसके लिए चूल्हा जला दूँगी। खाना मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे, खाना पकता रहेगा यहाँ पर। और चावल भिगो दिए मैंने। अब मैंने का सोचा अपने लिए बना लेती हूँ मैं चाय अपनी और सैफ की। सुबह नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, तो जब से मैंने कहा चलो चाय पी लेते फिर खाना तैयार होगा, फिर 12 बजे खाना ही खा लेंगे। सुबह नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। और सैफ और उमर तो ये बैठे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। उमर तो चल के आने लगे हैं भाई मम्मा के पास। उमर माशाल्लाह करने लग गया। अच्छा अभी आ गया है, देखे माशाल्लाह से, देखे माशाल्लाह। थोड़ा सा चलता फिर गिर जाता है। गिलास उठाओ नीचे से, बस इनके काम शुरू हो गए हैं। अभी आ गया किचन में, अब बस अब किचन में होगी तबाही शुरू। अभी चाय पक रही है, अभी दूध को मैंने काट लिया। हम तो ये इस्तेमाल करते हैं कप शेफ दूध, क्योंकि गीले दूध की चाय बच्चे नहीं पीते हैं, क्योंकि हम शुरू से यही दूध पीते हैं, तो इस वजह से इसी की चाय अच्छी लगती है। और अम्मी के घर अगर पंजाब हम चले भी जाएँ तो वहाँ भी बच्चे चाय नहीं पीते, क्योंकि वहाँ होता है गाय का दूध। तो हम लोग तो खैर पी लेते हैं, हम लोग तो हैं पंजाब के, हम लोग को आदत है पीने की, लेकिन बच्चे नहीं पीते मेरे। तो फिर अम्मी वहीं से एक दूध का डब्बा मंगवा के बच्चों को चाय वगैरह बनवा के देती हैं। दाल में उबाल आ गया, दाल चाय बन रही है बस मेरी। अब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। चाय मैंने बना ली है, हम चाय कमरे में चलते हैं। दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया, सैफ को भी नहला दिया, तैयार कर दिया।
उमर को भी नहला दिया करती है। उमर बहुत रोता है, उमर की जब कंघी करते हैं ना तो उमर फिर बहुत रोता है, कंघी नहीं करवाता है। ठीक है, तो मैं दे दी साहब को चाय, चाय मैंने पहले बना दी थी ताकि नहा के उसको सर्दी ना लगे। अपने देख लेती हूँ मैं दाल चावल, चावल हो गए हमारे तैयार माशाल्लाह से। और अभी दाल में है कुछ टाइम, माशाल्लाह से दाल हो गई हमारी तैयार, ये ज़बरदस्त माशाल्लाह दाल बनी है। लहसुन का और ज़ीरे का मैंने भगा लगाया और हरा धनिया डाल दिया ऊपर। ठीक है, चावल तो आपको दिखा दिए, चावल तैयार है और साथ मैंने सलाद भी बनाई है, खीरा है, मूली है, प्याज है, टमाटर है और नींबू डाला है। नमक मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि कभी मैं डालूँगा तो ये सारी पानी छोड़ देगी और अजीब सी हो जाएगी सलाद हमारी, तो ये भी हम ऐसे ही रहेंगे। जब हम खाने लगेंगे तब हम इस पर नमक डालेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।